दोस्तों आज मैं सॉ 3 मूवी को एक्सप्लेन करने वाला हूँ। मैंने इसके फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट को ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया है, अगर आपने उसकी एक्सप्लेनेशन नहीं देखी है तो उसे भी देख लीजिए, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। नाउ लेट्स एक्सप्लेन सॉ 3। कहानी की शुरुआत में हम एरिक को देखते हैं जो अभी भी उसी टॉयलेट में फंसा हुआ होता है, और क्योंकि वो किसी भी हालत में अपने बेटे डेनियल को बचाना चाहता था इसीलिए वो वहाँ पर पड़ी हुई टॉयलेट सीट से अपने पैर को कुचल कर खुद को आजाद कर लेता है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम ऑफिसर रिग और एलिसन को देखते हैं जो एक क्राइम सीन पर पहुंचते हैं। इस दौरान पता चलता है कि वहाँ पर एक आदमी को किडनैप किया गया था और उसकी पूरी बॉडी में चैन बांधी गई थी जिससे उसे खुद को 1.5 मिनट के अंदर आजाद करना था। हालांकि उसने ऐसा करने की कोशिश की लेकिन वो नहीं कर पाया, इससे वहाँ पर रखा हुआ बम फट गया और उसके साथ साथ उस आदमी की बॉडी के भी चिथड़े हो गए। हालांकि एलिसन जब क्राइम सीन को देखती है तो वो समझ जाती है कि ये काम जिग्सो ने नहीं किया है, क्योंकि जिग्सो हमेशा लोगों के बचने का रास्ता छोड़ता है, जबकि चैन से बंधा हुआ आदमी अगर खुद को आजाद भी कर लेता तब भी वो यहाँ से बाहर नहीं निकल पाता क्योंकि बाहर के दरवाजे पर बेल्डिंग की गई थी। नेक्स्ट सीन में जब एलिसन अपने घर पर क्राइम सीन में मिली जिग्सो की रिकॉर्डिंग को चेक कर रही होती है तभी उसे एहसास होता है कि कोई उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहा है, इसीलिए वो चेक करने की कोशिश करती है लेकिन उस पर पिग मास्क वाला आदमी अटैक कर देता है। फिर जब उसे होश आता है तो वो खुद को चैन से बंधा हुआ पाती है और इस दौरान उसकी बॉडी पर बहुत ही खतरनाक ट्रैप लगाया गया था। फिर वहाँ पर रखी हुई टीवी की हेल्प से जिग्सो उसे बताता है कि तुम्हारे पास टंगे हुए जार में तुम्हारे ट्रैप की चाबी है लेकिन उस जार में एसिड डाला है जिससे जल्दी ही वो चाबी गल जाएगी, इसीलिए तुम्हें उसे जल्दी से जल्दी बाहर निकालना होगा। ये सुनकर एलिसन किसी तरह से हाथ डालकर चाबी बाहर निकाल लेती है लेकिन ट्रैप का लॉक खोलने के बाद भी वो नहीं खुलता। तभी एलिसन को अमेंडा की झलक दिखाई देती है जिससे वो चैन खींचकर खुद को बहुत ही बुरी तरह से मार लेती है। फिर हम डॉक्टर लेन को देखते हैं जो अपने काम में काफी अच्छी थी लेकिन इन दिनों वो ढंग से काम नहीं कर पा रही थी क्योंकि वो किसी चीज से काफी ज्यादा परेशान थी। फिर जब वो अपनी शिफ्ट खत्म करके जाने की कोशिश करती है तो उस पर भी पिग मास्क वाला आदमी अटैक कर देता है। जब उसे होश आता है तो वो खुद को एक अजीब सी जगह पर पाती है जहाँ पर उसके पास अमेंडा पहुँचती है जो उसे जॉन के पास ले जाती है, इससे पता चलता है कि वो मरा नहीं था। फिर जॉन डॉक्टर लेन को बताता है कि मेरी हालत काफी ज्यादा खराब है इसीलिए तुम मुझे बताओ कि मैं कितनी देर तक जिंदा रह सकता हूँ। इस पर वो बताती है कि तुम्हारे पास ज्यादा वक्त नहीं है। इसके बाद जॉन उससे कहता है कि मैं एक गेम खेलना चाहता हूँ, इसके रूल्स बहुत ही ज्यादा आसान है लेकिन अगर तुमने रूल तोड़ा तो तुम मारी जाओगी। तभी अमेंडा लेन के गले में एक अजीब सा ट्रैप लगा देती है और बताती है कि तुम्हें किसी भी हालत में जॉन को जिंदा रखना है। इस दौरान वो एक किडनैप किए गए आदमी के बारे में बताती है जो कई सारे टेस्ट से गुजरने वाला था, इसीलिए अमेंडा लेन से जॉन को तब तक जिंदा रखने के लिए कहती है जब तक वो आदमी अपना टेस्ट पास नहीं कर लेता, लेकिन अगर इस बीच जॉन को कुछ हुआ तो उसके साथ साथ लेन भी मारी जाएगी क्योंकि उसके गले में लगा हुआ ट्रैप जॉन की हार्ट बीट मॉनिटर से कनेक्टेड है जिसके बंद होते ही ट्रैप में लगी हुई गोलियां चल जाएंगी। फिर नेक्स्ट सीन में हम जेफ को देखते हैं जो एक बॉक्स में बंद होता है। हालांकि पहले तो वो हेल्प के लिए चिल्लाता है लेकिन तभी उसे एक टेप रिकॉर्डर मिलता है जिससे हमें पता चलता है कि एक ड्राइवर के हाथों जेफ के बेटे की मौत हो गई थी क्योंकि वो ड्रिंक करके गाड़ी चला रहा था लेकिन उसे कोर्ट में मामूली सी सजा देकर छोड़ दिया गया था, इसीलिए जिग्सो जेफ के कुछ टेस्ट पास करने के बाद उस आदमी को माफ करने का मौका देगा जिसने उसके बेटे को मारा था और इस चीज के लिए उसे 2 घंटे का टाइम दिया जाता है। ये सुनकर जेफ लकड़ी के बॉक्स को तोड़कर बाहर आ जाता है। फिर हमें पता चलता है कि जेफ सालों से बदले की आग में जल रहा है, इस वजह से वो अपनी बेटी से भी काफी बुरा व्यवहार करता है। हालांकि वो उसे बहुत प्यार करता है लेकिन बदले की भावना ने उसे पूरी तरह से बदल दिया था, इसी वजह से जिग्सो ने उस पर अटैक करके उसे किडनैप कर लिया। फिर जब प्रेजेंट में जेफ आगे बढ़ता है तो उसे एक बॉक्स में नोट मिलता है जिसमें उसे दरवाजा खोलने के लिए कहा गया था। इस दौरान उसे बॉक्स में अपनी फोटो के एक टुकड़े के साथ साथ चाबी भी मिलती है। इसके बाद हम लेन को देखते हैं जो जॉन की हालत देखकर अमेंडा से उसे हॉस्पिटल ले जाने के लिए कहती है लेकिन वो इस चीज के लिए साफ इनकार कर देती है और कहती है कि तुम्हें इन्हें यहीं पर ठीक करना होगा। तभी जॉन की हालत और ज्यादा खराब होने लगती है इसीलिए लेन अमेंडा के साथ मिलकर उसे ऑक्सीजन देती है और उसकी कंडीशन थोड़ी सी सुधरने पर अमेंडा से कहती है कि मुझे जॉन की सर्जरी करनी होगी, इसके लिए मुझे कुछ टूल चाहिए। इस पर वो कहती है कि तुम्हें जो कुछ चाहिए तुम यहाँ से ले सकती हो लेकिन हम यहाँ से बाहर नहीं जाएंगे। इसके बाद हम जेफ को देखते हैं जो आगे बढ़ता है तो उसे पता चलता है कि वो एक मीट फैक्ट्री में है। फिर वो एक फ्रीजर रूम में पहुंच जाता है जहाँ पर एक लेडी को नेक्ड करके लटकाया गया था। इस दौरान उस लेडी के हाथों में एक लॉक लगा हुआ था। फिर जब जेफ आसपास देखता है तो उसे एक टेप रिकॉर्डर मिलता है जिसमें बताया जाता है कि वहाँ पर लटकी हुई लेडी कोई और नहीं बल्कि वही है जो उसके बेटे की एक्सीडेंट की अकेली चश्मदीद गवाह थी लेकिन उसने गवाही देने से मना कर दिया था क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा डर रही थी। साथ ही साथ जेफ से ये भी कहा जाता है कि अगर वो चाहे तो उस लेडी के मरने से पहले पाइप के पीछे
पीछे रखी हुई चाबी से उसे बचा सकता है। ये जानकर जेफ पहले तो उस लेडी पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है, लेकिन जब उस लेडी पर ठंडे पानी का स्प्रे होने लगता है तो ये देख कर वो उससे कहता है कि मेरा 8 साल का बेटा तुम्हारी आंखों के सामने ही मर गया, लेकिन तुमने इस बात की गवाही नहीं दी। लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं कि उस लेडी को इस बात का काफी अफसोस है, इसीलिए वो जेफ से सॉरी बोलती है। और क्योंकि जेफ उसकी हालत नहीं देख पा रहा था इसीलिए वो चाबी निकाल लेने की कोशिश करता है, लेकिन जब तक वो चाबी निकाल पाता वो लेडी ठंड से जमकर मारी जाती है। इसके बाद जेफ किसी तरह से चाबी को निकाल कर दूसरे रूम में पहुँचता है। वहाँ पर उसे एक दूसरा नोट मिलता है, इसमें लिखा होता है कि एक गोली ये सब कुछ खत्म कर देगी। साथ ही साथ उसे वहाँ पर उसके बेटे की फोटो के टुकड़े के साथ एक गोली भी मिलती है। इधर हम अमेंडा को देखते हैं जिसे जॉन बताता है कि मैंने डेस्क के अंदर तुम्हारे लिए एक एनवेलप छोड़ा है, इस पर तुम्हारा नाम लिखा है। इस दौरान अमेंडा जॉन की हालत देखकर काफी दुखी थी, लेकिन जॉन उससे कहता है कि मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। इसके बाद हम जेफ को देखते हैं जो आगे बढ़ता है तो उसे एक रूम का दरवाजा दिखाई देता है जिसमें ट्रैप लगा हुआ था, इसीलिए वो जैसे ही दरवाजा खोलता है तो उसके अंदर जाते ही वो बंद हो जाता है। तभी वहाँ पर उसे किसी की आवाज सुनाई देती है। फिर जब जेफ चेक करने के लिए पहुँचता है तो वहाँ पर उसे एक और टेप मिलता है। साथ ही साथ हम वहाँ पर बने हुए एक टैंक में एक आदमी को देखते हैं, इसे बांधा हुआ था। फिर जब जेफ टेप प्ले करता है तो हमें पता चलता है कि वहाँ पर बंधा हुआ आदमी वही जज है जिसने जेफ के बेटे का एक्सीडेंट करने वाले को सिर्फ 6 महीने की सजा सुनाई थी, इसीलिए उसकी जिंदगी जेफ के हाथों में सौंप दी गई है। इस दौरान ये भी बताया जाता है कि जज के हाथ में बंधे जंजीर की चाबी वहाँ पर बने एक लॉकर के अंदर है जहाँ पर जेफ के बेटे के बहुत सारे खिलौने रखे गए थे, इसीलिए जेफ को उस चाबी को पाने के लिए अपने बेटे के सभी खिलौने जलाने होंगे जिनसे उसके बेटे की यादें जुड़ी हुई है। अगर वो जज को माफ करना चाहता है तो उसे ये करना ही होगा। फिर टेप खत्म होते ही वहाँ पर मशीनें चालू हो जाती हैं जो सड़े हुए पिग्स को ग्राइंडर मशीन में डालने लगती हैं, जिससे वो टैंक भरने लगता है जिसमें वो जज था। हालांकि पहले तो लगता है कि जेफ जज को मरने के लिए छोड़ देगा, लेकिन फिर वो जज की कंडीशन देखकर उस लॉकर तक पहुंचता है और न चाहते हुए भी अपने बच्चे के खिलौने जला देता है, इससे उसे चाबी मिल जाती है और जेफ उस जज को आजाद कर देता है। इधर लेन जॉन का ऑपरेशन करने के लिए तैयार हो जाती है क्योंकि उसका ब्रेन सर की हड्डी से दबरा होता है, जिसके बाद हम देखते हैं कि लेन सही सलामत जॉन का ऑपरेशन करने में कामयाब हो जाती है। तभी जॉन को सपने में अपनी वाइफ देखने लगती है जिससे उसकी हालत खराब होने लगती है, लेकिन लेन उसे संभाल लेती है। और क्योंकि जॉन अभी पूरी तरह से होश में नहीं था इसीलिए वो लेन को ही आई लव यू बोलने लगता है। ये देखकर अमेंडा बहुत ही ज्यादा चिढ़ जाती है, इसीलिए वो अपने इमोशन पर काबू पाने के लिए खुद को चोट पहुँचाती है और सारी चीजों को याद करती है कि कैसे उसने जॉन के साथ मिलकर लॉरेंस और एडम को इस गेम में फंसाया था, और जॉन जब एडम को वहीं पर छोड़कर चला गया था तो अमेंडा ने ही उसे मार दिया था। फिर नेक्स्ट सीन में हम जेफ को देखते हैं जो जज के साथ आगे बढ़ता है तो उसे फिर से एक नोट मिलता है, इसमें लिखा होता है कि तुम जल्द ही अपना रिवेंज पूरा करने वाले हो। साथ ही साथ उसे वहाँ पर एक बुलेट से भरी हुई मैगजीन भी मिलती है। फिर जब वो दोनों आगे बढ़ते हैं तो वो उस रूम में पहुँच जाते हैं जहाँ पर एक आदमी को बहुत ही बुरी तरह से ट्रैप में बांध कर रखा गया था, जिसके गले में एक टेप रिकॉर्डर भी था। उसे जेफ प्ले करता है और पता चलता है कि वहाँ पर बंधा हुआ आदमी ही जेफ के बेटे का कातिल है। हालांकि उसे भी इस बात का काफी अफसोस है, लेकिन फिर भी अब उसकी जिंदगी जेफ के हवाले कर दी गई है और उसे बचाने के लिए एक बॉक्स में चाबी रखी गई है, लेकिन उस चाबी के निकालते ही वहाँ पर लगी हुई गन से गोली चल जाएगी। यहाँ पर जिक्सो ये देखना चाहता है कि क्या जेफ अपने बेटे के कातिल को बचाने के लिए अपना खून बहा सकता है। फिर जैसे ही टेप खत्म होता है उस आदमी के बॉडी पर लगा हुआ ट्रैप घूमने लगता है, इसके साथ साथ उसके हाथ पैर भी घूमने लगते हैं। हालांकि पहले तो जज उस चाबी को निकालने की कोशिश करता है, लेकिन जब वो देखता है कि उसे गोली लग सकती है तो वो जेफ को चाबी निकालने के लिए कहता है। अब क्योंकि जेफ उस आदमी को इस कंडीशन में नहीं देख पा रहा था इसीलिए वो न चाहते हुए भी चाबी निकाल लेता है, इससे वहाँ पर रखी हुई गन से गोली चल जाती है। हालांकि जेफ तो उस गोली से बच जाता है लेकिन वो गोली जज को लग जाती है, इससे वो वहीं पर मारा जाता है। इसके बाद जेफ उस आदमी के ट्रैप को चाबी से खोलने की कोशिश करता है, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा होता कि उस ट्रैप में लॉक कहाँ पर लगा हुआ है, इसीलिए देखते ही देखते वो आदमी वहीं पर मारा जाता है। हालांकि जेफ को इस बात का काफी दुख था, इससे पता चलता है कि अब वो अपने बदले की भावना से निकल चुका है। फिर नेक्स्ट सीन में हम लेन को देखते हैं जिससे जॉन कहता है कि तुमने अपने पति को धोखा दिया है और अपने बच्चे को भी इग्नोर किया है। ये सुनकर वो कहती है कि तुम्हें इस बात का अंदाजा भी नहीं है कि हमारी शादी कितने उतार चढ़ाव से गुजर रही है, तुम तो बस एक खूनी हो। इस पर जॉन कहता है कि मैं कोई खूनी नहीं हूँ, बल्कि मुझे तो ऐसे लोगों से नफरत है जो खून करते हैं, और अगर आज तुम बच गई तो हमेशा मेरा शुक्रिया अदा करोगी। तभी जॉन के पास अमेंडा पहुँचती है जो उसे बताती है कि जेफ ने अपना आखिरी मिशन भी पार कर लिया है और अब वो अपने फाइनल टेस्ट की तरफ बढ़ रहा है। ये सुनकर जॉन लेन से कहता है कि अब तुम आजाद हो और अमेंडा से उसके गले में लगा हुआ ट्रैप निकालने के लिए कहता है, लेकिन अमेंडा इस चीज के लिए साफ मना कर देती है और कहती है कि इसे आजाद होने का कोई भी हक नहीं है। हालांकि जॉन उसे मना करता है और बाकी टेस्ट सब्जेक्ट के बारे
बारे में भी पूछता है। इस पर अमांडा एरिक के बारे में बताती है जो अपना पैर तोड़ने के बाद टॉयलेट में से निकलने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसने अमांडा को देखकर उस पर अटैक कर दिया था और उसे बार बार अपने बेटे डेनियल के बारे में पूछ रहा था, लेकिन अमांडा उसके चोट लगे हुए पैर में अटैक करके वहाँ से बचकर भाग जाती है। इससे एरिक चिल्लाता रह जाता है कि तुम जिक्सो नहीं हो और मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। फिर प्रेजेंट में अमांडा ये एक्सेप्ट करती है कि वो एक खूनी है और कहती है कि एरिक ने मेरे साथ जैसा किया, मैंने बस उसका बदला लिया है, इसीलिए मैं उसे मरने के लिए छोड़ आई थी। लेकिन हमें पता चलता है कि जॉन ने एरिक को बचा लिया था। इस दौरान जॉन अमांडा को समझाने की कोशिश करता है कि मैं तुम्हारी सारी गलतियां माफ कर दूंगा, लेकिन तुम लेन को मत मारो। इस पर वो कहती है कि तुम लोगों को जान से न मारकर उन्हें टॉर्चर करते हो और अब लेन को इस तरह से छोड़ने के लिए कह रहे हो जैसे तुम बहुत इनोसेंट हो। सच तो ये है कि कोई भी इंसान कितनी भी कोशिश कर ले, लेकिन वो कभी नहीं बदल सकता। ये सुनकर जॉन कहता है कि ऐसा नहीं है, अगर तुम फेल हो गई तो तुम्हारे साथ साथ हम सब भी फेल हो जाएंगे। इधर जेफ को आगे बढ़ने पर एक नोट के साथ साथ चाबी मिलती है, इससे वो दरवाजा खोलकर आगे बढ़ता है। अब उसे एक और नोट के साथ एक गन मिलती है। इस दौरान नोट में लिखा होता है कि ये उसका लास्ट चांस है। इसके बाद जेफ उस गन में अपने पास मौजूद मैगजीन को लगा लेता है। उसी समय जॉन भी अमांडा को समझाने की पूरी कोशिश कर रहा होता है और कहता है कि तुम्हारा टाइम खत्म हो चुका है, इसीलिए तुम्हें सोचना चाहिए कि तुम क्या कर रही हो। लेकिन अमांडा उसकी बातों को इग्नोर करके लेन को शूट कर देती है। तभी जेफ वहाँ पर पहुँच जाता है जो लेन को इस तरह से देखकर अमांडा को शूट कर देता है। हालांकि उसके मरते मरते जॉन उसे बताता है कि ये किसी और का नहीं बल्कि तुम्हारा टेस्ट था, लेकिन तुम उसमें फेल हो गई क्योंकि तुमने लोगों की जान ली, जो कि मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। यहाँ पर जॉन ये भी बताता है कि लेन और जेफ दोनों ही हस्बैंड वाइफ थे, लेकिन मैंने ये बात तुम्हें नहीं बताई क्योंकि ये गेम का हिस्सा था और मैं चाहता था कि जेफ की पूरी फैमिली एक हो जाए, इसी वजह से मैंने तुम्हें रोकने की इतनी कोशिश की, लेकिन तुमने मेरी बात नहीं मानी। इसके बाद अमांडा वहीं पर मर जाती है। तभी वहाँ पर मौजूद जेफ जॉन पर गन तान देता है, इसीलिए जॉन उससे कहता है कि तुम्हारे गुस्से और नफरत की भावना से ही तुमने अपनी फैमिली को नुकसान पहुंचाया है और अब तुम मुझे ना मारकर अपनी बेटी के बारे में सोचो क्योंकि उसे तुम्हारी जरूरत है और तुम्हारी वाइफ भी मर रही है जिससे मैं एम्बुलेंस को कॉल करके बचा सकता हूँ, लेकिन इसके लिए तुम्हें आखिरी टेस्ट देना पड़ेगा, या फिर तुम आसपास रखे हथियारों से मुझे मारकर अपने बदले की भावना पूरी कर सकते हो या फिर मुझे माफ कर सकते हो। ये सुनकर जेफ उसे कहता है कि मैंने तुम्हें माफ किया और कुछ समझने से पहले ही वहाँ पर रखे हुए कटर से जॉन का गला काट देता है। हालांकि जॉन मरते मरते अपने हाथ में लिया हुआ टेप ऑन कर देता है। इसमें जॉन को बताया जाता है कि अगर तुम ये टेप सुन रहे हो तो तुम अपने आखिरी टेस्ट में फेल हो चुके हो, इसके लिए तुम्हें बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। इस दौरान वो ये भी बताता है कि तुम मुझे इसीलिए नहीं मार सकते क्योंकि तुम्हारी बेटी मेरे पास है और सिर्फ मैं ही हूँ जिसे पता है कि वो कहाँ है, और अब अगर तुम उसे वापस पाना चाहते हो तो तुम्हें फिर से एक गेम खेलना होगा। इसके बाद टेप के खत्म होते ही जॉन का हार्ट रेट भी बंद हो जाता है। इससे लेन के गले में लगे हुए ट्रैप से गोलियां चल जाती हैं और वो बहुत ही बुरी तरह से मारी जाती है, और इसी के साथ शो का थर्ड पार्ट खत्म हो जाता है। तो दोस्तों, अगर आपको इस मूवी की एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। बाकी मैं मिलूंगा आपसे न्यू वीडियो में। टिल देन टेक केयर, लव यू, बाय बाय।